सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा खरीदा है। घर घर हर घर तिरंगा अभियान के लिए अब तिरंगा फहराया जाएगा पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा खरीदा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदा। हर घर अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज तिरंगा खरीदने निकले हैं और कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ में हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भूमिका अदा करते हुए सीएम शिवराज तिरंगा खरीद रहे हैं। चूंकि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना है और ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर आज पूरा हिंदुस्तान इस साल हर घर तिरंगा अभियान मनाएगा और ऐसे में इस अभियान के तहत सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल में तिरंगा खरीदा। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए तिरंगा क्रय करते हुए सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदा, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है। संबोधित मीडिया को सीएम शिवराज कर रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मनाया जाएगा, जरूर फहराए। आजादी का अमृतकाल चल रहा है, ये अभियान हम सबके मन में, देशवासियों प्रदेशवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति गौरव की और भक्ति की भावना का, राष्ट्रभक्ति की भावना का और प्रसार करेगा। हम अपने भक्ति की भावना का संचार, देशभक्ति की भावना का संचार तिरंगा करेगा, ये बात सीएम शिवराज ने कही। मीडिया से सीधी बातचीत करें, तस्वीरें आपको दिखा रहे, राजधानी भोपाल में भारत माता के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। हर घर तिरंगा अभियान हमारे उसी संकल्प का प्रकटीकरण है और उसी अभियान के अंतर्गत आज मैं भी तिरंगा लेने आया हूँ। आप भी तिरंगा खरीदिए और अपने घर पर जरूर फहराइए। सर प्रधानमंत्री, सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदा, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि आप भी घर में तिरंगा फहराइए। देखिए रुपए देते हुए सीएम शिवराज और तिरंगा खरीदते हुए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने तिरंगा खरीदा है और इस बात का आह्वान भी किया कि आप भी तिरंगा खरीदें, हर घर तिरंगा फहराए। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे स्वर्गीय अमितांशु से। अमितांशु, सीएम शिवराज देखिए तिरंगा खरीद रहे हैं, क्या कुछ अभियान आगे और क्या कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तिरंगा अभियान को लेकर? देखिए तिरंगा अभियान को लेकर अगर हम बात करें तो खास तैयारियां यहां पर जाहिर सी बातें की जा रही हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो तिरंगा अभियान है वो काफी जोरों शोरों से चलाया जाने वाला है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे, यहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पास सीएम शिवराज जो है वो यहां पर तिरंगा लेने पहुंचे हैं और ये मौका भी खास है, क्योंकि देखिए ये जो तिरंगे आप देख रहे होंगे ये कपड़े से बने हुए तिरंगे हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन्हें खुद तैयार किया है, अपने हाथों से तैयार किया है और इसी को लेकर सीएम शिवराज जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और वो तिरंगे की खरीदी कर रहे हैं। देखिए लगातार बीजेपी जो है इसको महाअभियान के तौर पर चला रही है। पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो तिरंगा विक्रय केंद्र बनाए गए हैं, बीजेपी कार्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र बनाया गया है, अलग अलग जगहों पर बनाया गया है और लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी का हर नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या किसी भी बड़े नेता की बात करें, सभी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि तिरंगा विक्रय केंद्र वो पहुंचे और जल्द से जल्द तिरंगा अब जो है वो फहराए। कि अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ तिरंगा हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगा हाथ में लेकर वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है फोटो बूथ जो बनाया गया है तिरंगा भी लेकर, उस पर वो खड़े हुए हैं तिरंगे के साथ और यहाँ पर वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो देखिए प्रदेश का मुखिया खुद यहाँ पर तिरंगा हाथ में लेकर चल पड़ा है, तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश भर के जो लोग हैं उनमें तिरंगा अभियान को लेकर खासकर उत्साह देखा जा रहा है। आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज यहाँ पर लगातार जो है बात करेंगे, लगातार जो है देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें तिरंगे फोटो बूथ के सामने सीएम शिवराज यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर आप भी खरीदने आए? और खरीदना ही है, आप भी खरीदने आए सर? सर 1.5 करोड़ परिवारों में, घरों में लगाया जाएगा जी। यहाँ 1.5 करोड़ परिवारों में लगाया जाएगा। एक मिनट कर लेते हैं, अच्छा वहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज पूरी तैयारियां जो है वो तिरंगे को लेकर अपील कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है। हम मतलब हम कह सकते हैं हर वर्ग से अपील की जा रही है, समाज जनों से अपील की जा रही है, सभी लोगों को ये बात कही गई है कि वो जो है जरूर से जो
तिरंगा अभियान है उसमें शिरकत करें, हर घर तिरंगे की ये जो अभियान है इसको सफल बनाने में बीजेपी इस मुहिम को, इस अभियान को पूरी तरीके से जुटी हुई है। देखिए अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। बहनों भाइयों और भांजियों, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत काल, आजादी का 75वां वर्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद देकर भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटी थी और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को आह्वान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश के हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी तय किया है मध्य प्रदेश के हर घर पर हम तिरंगा फहराएंगे। 13 अगस्त से अभियान प्रारंभ हो। प्रिय प्रदेशवासियों, कोई घर ना छूटे, हमारा राष्ट्रध्वज देश का गौरव और सम्मान, इसी को हाथ में लेके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गाते हुए जाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, जान भले ही चली जाए तिरंगे की शान नहीं जाने देंगे। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रध्वज लेने आया हूं, आज मैंने राष्ट्रध्वज लिया, अभी तक आपने लिया कि नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो तुरंत अपने खून पसीने की कमाई से आप तिरंगा ध्वज लीजिए, अपनी कमाई से लेना। राष्ट्रध्वज है, इस धरती का कर्जा है हमारे ऊपर भाई, एलसीडी आ रही, इसमें पैदा किया हुआ अन्न हम खाते, इसमें बहने वाली नदियों का जल हम पीते, और उसी से बना हुआ खून हमारे शरीर में दौड़ रहा, इसी धरती के पेड़ हमें ऑक्सीजन देते। तो कोई ये कहे कि फ्री में बांट देंगे और कोई बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। हम अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर पर फहराने के लिए तिरंगा लेंगे, इसलिए मैं भी आया हूं लेने, मैं मंगा भी सकता था। मैंने कहा नहीं, मेरे घर जो तिरंगा फहरेगा मैं खुद लेने का, आप भी जाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने तिरंगा बना रही है, दिनों रात दीदी हमारी लगी हुई काम, राष्ट्रध्वज के निर्माण का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है, आप भी जरूर जाए ध्वज दीजिए, पर राष्ट्रध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड भी कीजिए कि मैंने तिरंगा दिया, राष्ट्रध्वज लिया, आप भी जरूर खरीदिए। मीडिया के मित्रों से मेरा निवेदन है, आपको भी जरूर खरीदना है और सेल्फी अपलोड करना है, एक एक सब एक वातावरण बन जाए पूरे प्रदेश में देशभक्ति का, जरूरत पड़ी तो देश के लिए सर्वस्व निछावर कर रही, और इसलिए अपना हर घर तिरंगा अभियान
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नई पीढ़ी स्वीकार करते हुए नई पीढ़ी में ऊर्जा का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको अपने हाथों से ध्वज दे रहे हैं। यही परिकल्पना भी इस पूरे कार्यक्रम की है कि नई पीढ़ी में तो सीएम शिवराज राजध्वज खरीदने पहुंचे और ऐसे में तिरंगा खरीदने के बाद जनता से सीधी अपील की मंच से कि आप भी तिरंगा खरीदें और अपने घर पर लहराएं। मीडिया के साथियों से भी अपील की कि आप भी जरूर तिरंगा खरीदें। उसके साथ एक सेल्फी लेने की अपील सीएम शिवराज ने की है। इस बात का जिक्र किया कि एक वातावरण पूरा बन जाए देश भर में कि हम सब तिरंगामय हो जाए। चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी अमितांशी से। अमितांशी, वातावरण तिरंगामय हो जाए, देशभक्ति का वातावरण बन जाए, ये तमाम बातें सीएम शिवराज ने कही और क्या कुछ संदेश सीएम शिवराज ने दिया और कैसी जन जागरूकता तिरंगा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में देखी जा रही है? अमितांशी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लोग जो हैं अपनी खून पसीने की कमाई से जो लोग हैं वो यहाँ पर लेने जरूर पहुंचे, इसी को लेकर सीएम शिवराज ने अपील की है। और यहाँ देखिए पीएम शिवराज जो हैं लगातार वो अपील हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदने की अपील की और कहा कि तिरंगा जरूर खरीदें, अपने घर पे उसे लहराएं। बहुत शुक्रिया अमितांशी खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने तिरंगा खरीदा और जनता से अपील की है कि वो भी तिरंगा खरीदें और तिरंगा अपने घर पर लहराएं।